सो जब मैंने डिसीजन लिया कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करनी है, सो सबसे पहले थॉट तो यही आया था कि मुझे कोचिंग कर लेनी चाहिए. हाँ, करेक्ट. लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं होता था अल्टीमेटली. सो मेरे पास एक ही चॉइस थी कि हाँ अब सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं. क्या टफ था, गेट में रैंक लाना या फिर अच्छे रैंक होने के बावजूद एक पीएसयू का वेट? नमस्कार एस्पिरेंट्स, बहुत टाइम बाद ये वीडियो बना रहे हैं और देर आए दुरुस्त आए वो कहावत यहाँ पे उपयुक्त होगी, मैं ये आशा रखता हूँ. आज के जो वीडियो में हमारे साथ है वो है ऋषि शर्मा. इनकी तारीफ कराऊँ उसके पहले ये वीडियो में क्या डिस्कशन होने वाला है वो ज़्यादा ज़रूरी. ये वीडियो में हम स्पेसिफिक ऋषि की गेट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज क्या थी, जो कि कॉम्बिनेशन है विथ जॉब एंड विदाउट कोचिंग. इन्होंने सिंगल डिजिट रैंक भी लाए हैं, दैट इज 5 इन गेट 2021 एक्सी पेपर. हम सब जानेंगे कि उनका प्रिपरेशन कैसे किया, जॉब के साथ कैसे टाइम उन्होंने मैनेज किया और टेस्ट को कैसे एनालाइज किया. हम ये भी जानेंगे कि उन्होंने फाइनली जो IOCL में सिलेक्ट हुए तो उसके लिए इंटरव्यूज में कैसे उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज थी और उन्होंने कैसे संयम बनाए रखा इतनी लंबी जर्नी के लिए. लंबी जर्नी जो मैं कह रहा हूँ वो क्यों है वो आपको आगे के वीडियो में ज़रूर पता चले. वीडियो को शुरू करें उसके पहले ऋषि शर्मा, आई थैंक यू कि आप टाइम निकाल के आए. सबसे पहले आप ये बताइए कि गेट सबको पता है कि बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है, आपने कैसे सोचा कि आपको गेट ही देना है? दूसरी एग्जाम भी थी सबसिक्वेंट, तो आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई गेट में और लास्ट ईयर आपने अटेम्प्ट किया था तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. एक्चुअली मैंने कॉलेज के बाद एक स्टार्टअप में जॉब ले ली थी. अच्छा. न्यू दिल्ली में. तो वहाँ पे कुछ टाइम जॉब करने के बाद, लाइक 2-3 महीने जॉब की, उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर रहेगी. सो एक टेक्निकल बैकग्राउंड होने की वजह से एक गवर्नमेंट जॉब प्लस एक कॉरपोरेट लाइफ का भी एक एक्सपीरियंस मिले, उस टाइप का मुझे PSU सबसे बेस्ट लगा. सो मैंने गेट अटेम्प्ट करने का डिसीजन लिया. बढ़िया. आपका लास्ट ईयर गेट रैंक कितना था? 233. तो जनरली लोग ऐसा कहते हैं कि अंडर 300 ले आओ तो PSU तो फॉर शॉर्ट मिल जाती है. हाँ. तो मीन्स लास्ट ईयर आपको नहीं मिला वो सबको पता है, बट वो सस्टेन कैसे किया? कि मीन्स जनरली लोग कहते हैं कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आए तो नेक्स्ट नहीं देंगे, आप कुछ और देख लेंगे आप. तो फिर उसके बाद आपने फिर से कोचिंग की या कोचिंग नहीं की तो कैसे प्रिपरेशन कैसे किया आपने? जॉब आप कह रहे हैं जो स्टार्टअप था, तो आपका प्रिपरेशन कैसे था? एक्चुअली मैंने कोचिंग कभी नहीं की है इस दोनों एग्जामों में ही. अच्छा. मैं जब स्टार्टअप में था तो मेरी नॉर्मली वहाँ पे क्या है नाइट शिफ्ट होती थी, रात को 12 से मॉर्निंग में 7 कभी 8 भी बज जाते थे. सो जब मैंने डिसीजन लिया कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करनी है सो सबसे पहले थॉट तो यही आया था कि मुझे कोचिंग कर लेनी चाहिए. हाँ, करेक्ट. लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं होता था क्योंकि 8 घंटे आप जॉब को दे रहे हो तो आपका हाफ डे तो वैसे ही खत्म हो गया अप्रोक्सीमेटली. सो मेरे पास एक ही चॉइस थी कि हाँ अब सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं और कम से कम अपना मटेरियल रखते हैं. राइट. सो मैंने प्रीवियस ईयर की बुक ली है, मेडी जी की आती है, उसमें साथ में एक कॉलेज में पढ़ाई था तो पता था टॉपिक्स के नाम क्या है कैसे कैसे हैं. तो मैंने PYQ का सबसे पहले एनालाइज किया चैप्टर वाइज. ठीक है. हर चैप्टर में देखा कि हाँ कहाँ से वो पूछ रहा है. और गेट मैकेनिकल में जनरली क्या होता है कि थोड़ा सा डेटा चेंज कर देते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन रिपीट ही आता है मैक्सिमम टाइम. सो मैंने देखा कि हाँ ये पूछ क्या रहा है, मेजोरिटी क्या है. सो मैंने फिर मेडी जी की बुकलेट्स ली अपने एक कलीग से ही, उन्होंने कोचिंग की हुई थी, उन बुकलेट से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. एक बार पढ़ने के बाद फिर मैंने PYQ लगाया. PYQ मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा था, मीन्स काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पा रहा था. सो थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा. उसके बाद जब टेस्ट सीरीज दी वहाँ पे अच्छे रिजल्ट आने लगे तो और बूस्ट होता गया, अगर फिर कंटिन्यू रखा. ये तो आपकी एकदम ऐसे बूमिंग सी स्टोरी है कि मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, ये मिल गया, वो अच्छा हो गया. लेकिन जॉब के साथ पढ़ने में टाइम निकालना सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है, तो वो टाइम आपको कैसे मिल रहा था? इनफैक्ट अगर मैं मेरी बात करूं तो अगर मैं कोई कॉलेज में भी था तो जनरली कहते हैं कॉलेज में लोग सबसे आइडल रहते हैं, उस समय भी टाइम निकालना बहुत टफ हो जाता है. तो उस केस में जॉब के साथ एक पढ़ाई का टाइम निकालना, वो कैसे आप टाइम को मैनेज किया? एक्चुअली वो थोड़ा टफ तो था क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हो उसके बाद जस्ट जॉब करने जाते हो तो एक बहुत बड़ा चेंज आता है आपकी लाइफ में. लाइक अकाउंट में बहुत बड़ी अमाउंट आने लग जाती है, थोड़ी रेस्पेक्ट भी मिलने लग जाती है. पर जब डिसीजन ले लिया था कि हाँ आप करना ही है गेट, तो फिर ये था कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है और फेलियर देखने किसी को भी शायद पसंद नहीं होगा. तो जब उसमें करने लगा तो एक होता है ना इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आने लग गया उसमें. फिर ये था कि नहीं यार अब तो करना ही है.
तो फिर ज्यादा से ज्यादा खुद के ऊपर कुछ लाइक डिसिप्लिन बनाए रखा कि हाँ पढ़ना है तो पढ़ना है, आज ये चैप्टर करने ही करने हैं, इस टाइप से। फिर धीरे धीरे लाइक जो मेरे कलीग्स थे उन्होंने भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि हाँ ऋषि कर लेगा भाई, लगा रहे इस टाइप से। तो एक एनवायरमेंट ही वैसा बन गया मेरे आसपास का कि अब तो करना है। हाँ सब जैसे मुझसे पूछते थे, हाँ भाई कैसी चल रही है प्रिपरेशन, टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, मतलब जिस स्टार्टअप में काम करता था उसमें हमारा डिस्कशन गेट पे होने लग गया था स्टार्टअप के अलावा। तो एक अच्छा माहौल मिला वहाँ पे, फिर इस टाइप से मेरी कंटिन्यू जर्नी कंटिन्यू रखी मैंने। आपने एक चीज बहुत अच्छी कही कि फेलियर का थोड़ा टच कर लें, फेलियर कैसा होता है, उसी के कनेक्टिंग थॉट है कि क्या टफ था, गेट में रैंक लाना या फिर अच्छे रैंक होने के बावजूद एक पीएसयू का वेट करना, क्योंकि लास्ट ईयर आपका 233 रैंक था और इस बार आपका गेट में मैकेनिकल में 18th रैंक है और एक्सी के अंदर आपका 5th रैंक है जो कि सिंगल डिजिट रैंक है। बहुत बड़ा शिफ्ट होता है, मींस एक दो मार्क के अंदर रैंक चेंज हो जाते हैं। तो वो जर्नी में आपको टफ क्या लगा, एक रैंक लाना टफ था या फिर उस रैंक के बाद पीएसयू का वेट करना? एक्चुअली जब रैंक लानी थी तब तक दिमाग में सिर्फ ये था कि हाँ एक एग्जाम है मेरा, जैसे कि इस बार 14 फेब को था तो दिमाग में था कि 14 फेब को मेरा एग्जाम है, सिर्फ उस दिन के बारे में सोच रहे थे कि हाँ इस दिन एग्जाम है और उसके लिए पढ़ना है। लोग उस दिन तो काफी दूसरी एग्जाम भी दे रहे थे, ठीक है कंटिन्यू। फिर जब जैसे ही वो एग्जाम हो गया उसके बाद रिजल्ट आ गया कि हाँ भाई इतनी अच्छी रैंक है और सब, उसके बाद फिर वेट करना और फिर ये डिसाइड करना कि किस पीएसयू में जाना है। पहले तो ये होता था कि किस पीएसयू में जाना है, अभी पिछले 2 सालों में ये हो रहा था कि कौन सी पीएसयू आ रही है, करेक्ट, क्योंकि कोविड की वजह से सिचुएशंस काफी खराब हो गई थी। तो फिर वेट करते रहना, फिर उसके बाद काफी लोगों को पता चल गया था कि यहाँ रैंक है, फिर वो पूछते थे हाँ भाई किस में जा रहा है, कब जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन से डील करना कि हाँ जाएंगे जाएंगे इस टाइप से। तो ये काफी ये ज्यादा टफ रहा क्योंकि पहले में फोकस्ड थे कि हाँ एक एग्जाम है वो हमें क्रैक करना है, अभी इतने सारे लोगों से डील करना, उनको बताना, और खुद में भी डर रहता था कि कहीं लास्ट ईयर जैसी सिचुएशन वापस से ना हो जाए, कहीं फिर से लॉकडाउन ना हो जाए, वो सबसे फ्रेटफुल रहा होगा बहुत ज्यादा उसी के दर्ज पे। मीन्स अब तो आपको लोग भी बहुत पूछते होंगे कि इंटरव्यूज कैसे पड़ा, तो उसी के तर्ज पे कि इंटरव्यू के लिए जो आपने आईओसीएल में आप सिलेक्ट हुए हैं, अभी जिनको नहीं पता उनको कह दूं कि ऋषि इसी साल जो गेट 2021 में आईओसीएल में जो रिक्रूटमेंट था उसमें रिक्रूटेड ऑफिसर हैं ग्रेड ए जीरो ग्रेड ए के ऑफिसर हैं ऋषि, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। रैंक ले आए बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इंटरव्यूज मीन्स बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि बहुत दिग्गज 30 मार खान जो होते हैं जिसके अच्छे अच्छे रैंक होते हैं, वो हो सकता है 90% नहीं हो ही जाते हैं, बट कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यूज भी क्लियर नहीं कर सकते, तो क्या उसका क्या क्राइटेरिया रहता होगा, कोई सेक्शनल कट ऑफ है, और आपका जो प्रिपरेशन था स्पेसिफिक इंटरव्यूज के लिए वो कैसा था? एक्चुअली इंटरव्यू में आपको 40% एटलीस्ट लाना ही होता है, चाहे आपकी गेट में फर्स्ट रैंक हो या कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता है। आपको डीआई में और पीआई में जीडी में जीडी और पीआई में आपको 40% लाना होता है, मींस 15 में से आपको 6 मार्क्स लाने हैं। और इंडियन ऑयल का जो इंटरव्यू होता है वो काफी अनसर्टेन होता है, मींस हो सकता है सिर्फ आपसे एचआर के क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है आपसे सिर्फ प्रोडक्शन के क्वेश्चन पूछे, या हो सकता है सिर्फ थर्मल के ही पूछ ले, पैनल पे मींस पैनल के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा, पैनल के मूड के ऊपर डिपेंड करेगा पूरा। सो आपको हर सब्जेक्ट के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए मिनिमम, कि आपसे एटलीस्ट कुछ चीजें पूछे तो आप बिल्कुल चुप ना रहे वहां पे, कुछ बोल पाए। प्लस कंपनी की पूरी प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए, प्लस जो आजकल करंट अफेयर्स चल रहे हैं, लाइक जैसे अभी कोविड की सिचुएशंस थी, इसमें इंडियन गवर्नमेंट की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये सब के बारे में बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। राइट, आपका इंटरव्यू में क्या पूछा था अगर मैं सीधा कहूँ? मुझसे सबसे पहले मेरी जॉब के बारे में पूछा था, ओके, फिर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, एंड फिर इंडियन ऑयल में क्यों आना चाहते हो, फिर हम आपको ही क्यों ले, ये सब मेरे एचआर के क्वेश्चंस थे। उसके बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। इंटरव्यू मेरा जो टेक्निकल वाला था वो काफी अच्छा था, क्योंकि मुझसे थर्मोडायनामिक्स, सॉम, फ्लूइड मैकेनिक्स, एचटी चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे थे, एंड कोर सब्जेक्ट्स, हाँ अप्रोक्स 12-13 क्वेश्चन मुझसे पूछे थे। ओके, तो उसके बाद तो सक्सेस मिल गई, ज्वाइन भी हो गए, अभी आप पाइपलाइन डिवीजन में, राइट? हाँ, जर्नी तो आगे भी बहुत लंबी है, कल का तो पता नहीं, लेकिन अगर सिर्फ गेट 2022 को फोकस करते हुए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हो सकता है देखें, हो सकता है 2023 वाले भी देख रहे हैं, उनको अगर मंत्र देना हो कि अगर पढ़ाई है तो कैसे पढ़ें, प्रीवियस ईयर्स पढ़ें या कुछ भी, आपको टेस्ट को कैसे एनालाइज करें, कुछ भी मंत्र आपके एंड से फाइनल कोट तक। एक्चुअली गेट में रैंक लाने का या फिर अच्छे मार्क्स लाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस।
गेट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस डिमांड करता है आपसे. राइट. सो आपने कुछ भी पढ़ा, सबसे पहले आपको हर फॉर्मूला के डेरिवेशन आना चाहिए विद अजम्पशंस. आपको पता होना चाहिए कि ये कोई फॉर्मूला आया है तो कैसे आया है, पूरी प्रोसेस. उसके बाद आप थ्योरी को साइड में रखिए, प्रैक्टिस पे फोकस करना है. एक अपनी फॉर्मूला कॉपी बना लीजिए जिसका आपको डेली, जैसे एक रूटीन होता है कि डेली हम नहाते हैं, खाना खाते हैं, उस टाइप से डेली उसको आधा घंटा एक घंटा पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है फर्स्ट डे से लेकर एग्जाम के डे तक. पहले पेज से स्टार्ट करो, जहां तक हो गया वहां पे खत्म करो, फिर आगे कंटिन्यू करो इस टाइप. वो रोज का मींस एक रूटीन बना लीजिए अपना. okay. दूसरा होता है प्रैक्टिस. पीवाईक्यू को एटलीस्ट 3 से 4 बार सॉल्व करना है. पहली बार में टाइम लगेगा नो डाउट, दूसरी बार में कम लगेगा, तीसरी चौथी बार में और कम लग जाएगा. मैंने अपने जो मेरा एग्जाम हुआ था 2020 में, उसके लिए मैंने पीवाईक्यू 6 times सॉल्व किया था. ओहो. उसके बाद ये तो हो गया आपका कि जितना अभी तक पूछ रहा है वो कवर हो गया. अब बात आती है कि हर साल कुछ क्वेश्चंस नए इंट्रोड्यूस होते हैं, उसके लिए क्या करें. सो मैंने क्या किया था, एक्सर्जी का क्वेश्चन बैंक लिया था. ओके. उसको मैंने प्रैक्टिस किया था. आप किसी और का भी ले सकते हो, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है. उसके बाद आती है टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज जनरली 3 घंटे की होती है. आपने टेस्ट दिया, मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, टेस्ट दिया, रैंक देखी, मार्क्स देखे, बंद कर दिया टैब. लेकिन आपको 3 घंटे का अगर आपने टेस्ट दिया है तो आपको 2.5 से 3 घंटे का उसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा. आपको पता होना चाहिए कि आपने सिली मिस्टेक्स कौन सी की है. जैसे कई बार हम यूनिट में कन्वर्जन में गलतियां कर देते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, उनको नोट करना है आपको कि मैंने इस बार ये गलती की थी. अच्छा. जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको भी रिवाइज करना, रिवाइज नहीं करना है. जब आप नेक्स्ट टेस्ट दे रहे हो उससे पहले उसको देखना है आपको कि ये मैंने किया हुआ है. इससे क्या आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में चीज बैठ जाती है कि ऐसी गलतियां मुझे नहीं करनी है, क्योंकि गेट में 2 से 3 क्वेश्चन पूरा गेम चेंज कर देते हैं. करेक्ट. आप टॉप 100 में आ जाते हो, आप 200 के बाहर चले जाते हो. करेक्ट. ये सब चीजें उसका एनालिसिस करना है. आपको देखना है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, उससे रिलेटेड. आपको अगर कोई सिली मिस्टेक हुई है तो ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है वापस से अपनी बुक्स उठाइए, उस कॉन्सेप्ट को देखिए और करिए. तो आपने जब कोचिंग नहीं किया तो आपने मटेरियल वहां से लिया था, अपने फ्रेंड से या जहाँ से भी, तो उसको डिसाइड कैसे किया कि भाई मैं ये पढ़ूंगा. मीन्स सिर्फ जो पहले के साल के जो क्वेश्चंस थे, परसेंटेज, सिर्फ वो परसेंटेज के ऊपर से ही आपने डिसाइड कर लिया? हाँ, मैंने सिर्फ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखे थे कि इस टॉपिक में यहाँ से पूछ रहे हैं, इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में. मैंने वो चीजें पढ़ी, उसके बाद मैंने पीवाईक्यू के क्वेश्चंस सॉल्व किए. मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मैक्सिमम हो जाते थे सॉल्व. फिर हाँ, जब मैंने अपना ये क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किया था वहां पे कुछ वेरिएशंस आने लगे थे. तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चन हो गए जिनमें फंस रहा हूँ मैं, उससे रिलेटेड मैंने वापस से कॉन्सेप्ट देखे. अच्छा. यानी पहले क्वेश्चन, फिर थियरी, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट, फिर टेस्ट, और उसमें कुछ नया मिला तो फिर वो थियरी. बहुत से एक्सपीरियंट ऐसे होंगे, मींस मैं भी ऐसा ही था. तो उस केस में ऐसा होता है कि मींस चीजें पढ़ी हैं और पता ही नहीं है उस चीजों के बारे में. तो उस केस में क्या मींस एक अच्छा होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या फिर पहले थियरी से ही स्टार्ट करें? एक्चुअली पहले क्वेश्चन मेरा देखने का रीजन था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि क्या पढ़ना है एग्जैक्टली. जैसे आप कोचिंग में होता है, आपको पता होता है क्या पढ़ना है. मुझे ऐसा कुछ था नहीं, कोई गाइडेंस नहीं था. सो मैंने जब सबसे पहले पता करने के लिए कि हाँ मुझे पढ़ना क्या है, इसलिए मैंने जस्ट क्वेश्चन को देखा था पीवाईक्यू. अच्छा, अच्छा. कि ये चीजें पढ़नी है मुझे. अच्छा. उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट की. बढ़िया. फाइनल क्वेश्चन, आपके जो गेट में मार्क्स पहले से ही इतने अच्छे आते गए थे या फिर कोई वेरिएशन था गेट के टेस्ट सीरीज में? एक्चुअली जब मैंने लास्ट ईयर गेट दिया था जो कि फेब 2020 में हुआ था, उसके बाद पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी थी. मींस कि हाँ तो ही जाना, 233 है. हाँ, उस टाइप का एटीट्यूड था और अपनी जॉब पे फोकस किया. साथ में IIT बॉम्बे में एडमिशन ले लिया मास्टर्स में. तो उन IIT बॉम्बे में कौन सी फील्ड थी? इंडिया, वो इंडस्ट्रियल एंड ऑपरेशन रिसर्च, IEOR. बढ़िया. उसके बाद जब चीजें मैनेज नहीं हुई तो हालांकि मैंने IIT बॉम्बे छोड़ दिया था. सो इन सब के फिर इंटरव्यू हुआ IOCL का. उसका रिजल्ट आया था 26 दिसंबर को लास्ट ईयर 2020. तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वैकेंसी बहुत कम थी. उसके बाद फिर मैंने जनवरी में वापस से बुक्स उठाई कि हाँ दोबारा देना पड़ेगा क्योंकि कुछ बचा नहीं था उस टाइम तक. तो जो पहला टेस्ट दिया था उसमें फॉर्मूलाज मेरे को मुझे बिल्कुल याद नहीं थे, तो मेरे 52 point something मार्क्स आए थे. यानी आपने लास्ट मीन्स इस बार के जो गेट 2021 अटेम्प्ट किया, तो प्रिपरेशन आपने मींस जो भी टेस्ट देना चालू किया आपने जनवरी में स्टार्ट किया? 6 January से मैंने स्टार्ट किया था इस बार. मींस 1 month था आपके पास सिर्फ? हाँ, 1 month एंड कुछ डेज. ओ बढ़िया. तो उसमें कैसे कोप अप किया आपने? उसमें एक मींस फॉर्मूलाज याद नहीं थे इसलिए क्वेश्चन हो नहीं पाया था टेस्ट सीरीज में, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ जब लास्ट ईयर अगर रैंक लाया हूँ तो इस बार भी ले आऊंगा, बस थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है. सो मैंने अपनी कॉपी बनाई हुई थी फॉर्मूलाज की, उनको एक बार रिवाइज किया, उसके बाद फिर टेस्ट दिया तो अगेन वो 80+ आने लग गए मेरे दूसरे तीसरे टेस्ट से. यानी आपका बेस पहले से था? पहले से बेस तैयार था, बस एक फॉर्मूलाज में भूल चुका था. अच्छा, सही.
ऑन दैट नोट आई थैंक यू कि आपने टाइम निकाला, और बहुत से एस्पिरेंट होंगे मीन्स उनको हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, मैं ये आशा रखता हूँ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है गेट के अंदर के भाई अब एक महीना रह गया, या फिर गेट 2023 वाले भी होंगे तो उनको कोई स्पेसिफिक डाउट है ऋषि से कनेक्ट करना, तो आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या बिल्कुल लिंक्डइन पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका आपको जो डिस्क्रिप्शन है ऋषि की लिंक्डइन की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो आपको कनेक्ट करना हो तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिले हो सकता है थॉट प्रोसेस का, बट ट्राई करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्लाई मिल सके। ऑन दैट नोट, जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को जो उनकी एग्जाम आ रही है उनमें सक्सेसफुल हो और अच्छे रैंक लाएं, ये मेरी दिल से दुआ रहेगी। एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू ऋषि एंड थैंक यू एवरीवन।